हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा टॉपिक भी है और इसका यूज़ हम लोग काफ़ी जगह पर कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है? वेन डायग्राम एक्चुअल में होता यह है कि जब हम कभी सेट या सेट्स रिलेटेड ऑपरेशंस, जब हम सेट या सेट से रिलेटेड ऑपरेशंस जब हम बाय डायग्राम शो करते हैं तो उनको बोलते हैं वेन डायग्राम बोलते हैं। मैं बता दूं आपको कि वेन डायग्राम जो सबसे पहली बार इस्तेमाल हुआ था, इसका यूज़ किया था मिस्टर जॉन वेन ने। ये जॉन वेन ही हैं जिन्होंने हम लोगों को सेट समझने के लिए बहुत ही आराम कर दिया और हम लोग इनकी सहायता से अब अपने जो ऑपरेशंस हैं सेट के, उनको बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। तो हम आपको सिस्टम वाइज बताएंगे कि सेट वेन डायग्राम में जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे होते हैं विद एग्जांपल। अगले 5 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको अगले 5 मिनट के बाद वेन डायग्राम अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। तो जॉन वेन ने जब इसको स्टार्ट किया, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम किसी भी यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपने पहले भी सीखा हुआ है, लेकिन डायग्राम में हम इसके लिए एक रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल यूज़ करते हैं और अंदर के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्किल यूज़ करते हैं। ये सर्किल हमारे सम के अकॉर्डिंग सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको ए दिया गया है, बी आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसी सेट को डायग्राम में बना रहे होते हैं तो सबसे चीज कॉमन होती है हमारे पास कि उसका कॉमन पार्ट निकाल लेना। अगर हमको दो सेट दिए जा रहे हैं तो हमें उसका सबसे पहले कॉमन पार्ट निकालना है। हर केस में, सभी केसेस में आपको काम करना ही करना होगा। ऐसा कर लेने से आपका कभी वेन डायग्राम गलत नहीं हो सकता। तो मैं देख रहा हूं यहां पर कि जैसे मान लीजिए मुझे सेट दोनों इसमें दिखा रहे हैं, तो पहले काम हमारे पास क्या है कि हम दोनों की पॉइंट्स कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। आइए, तो मैं देख पा रहा हूं कि जो कॉमन पॉइंट हमारे पास यहां पर है वो हमारे पास है 2 है 4 है और बस 2 हमारे पास पॉइंट कॉमन है। और आपको पता है कि अगर 2 सेट के हम कॉमन पॉइंट निकाल लेते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपको कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो जब आप इनके पॉइंट कॉमन निकाल लेंगे तो आप उनको कहां पे लिखेंगे? जो इसका कॉमन पॉइंट है। ठीक, मैंने लिख दिया, अब कैसे लिखेंगे इसको तो देख लीजिए जरा। ये लीजिए, ये जो आप देख रहे हो ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो है शेडेड बाई पैरेलल लाइंस, ये आपका आंसर हो गया कि जो हमारा इंटरसेक्शन बी था वो दोनों के कॉमन पार्ट यानी कि दोनों सर्किल के जो कॉमन पार्ट है वहां पर लिखे जाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूं आपको ए यूनियन बी। ठीक है, तो जो मैंने पहले क्या रखा है आपसे कि ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो निकाल लिया मैंने, यहां पर लिख दिया मैंने, और जो बचा हुआ है वो दोनों के बांट दीजिए आप। तो जब आप 2 4 हटा देते हैं तो बचता है 1 3 5, और जब आप 2 4 हटा देते हैं तो बन जाता है 7 8। ये देखिए, आप ये भी सीख गए कि दोनों सेट कैसे हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से आप उनके इंटरसेक्शन को
दिखा सकते हैं, और अब हम बताने वाले हैं कि उनकी यूनियन को कैसे दिखा सकते हैं। तो इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे हम, तो इन्हीं लाइंस को थोड़ा हम बड़ा कर देंगे बस। और यहां पर हम इसको लिख देंगे क्या, बस, ठीक है ना। और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले भी पढ़ा हुआ है आपने, 2, 4, 7, 8, 1, 3, 5, क्योंकि यूनियन ए यूनियन बी जो हमारा होता है वो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट के साथ साथ में सारे एलिमेंट को लेता है, लेकिन लिखा सिर्फ जाता है कौन सा एलिमेंट जो एक बार आया होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 हमारे पास यहाँ पर 2 दो बार आ रहा है, 4 टू टाइम्स आया है, तो इसको दो बार नहीं लिखा जाएगा, इसको हम एक बार ही लिखते हैं। तो ये आपने सीख लिया कि कैसे ए यूनियन बी दिखाया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। आप जो हमारे पास अगले सेगमेंट हैं, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ ए माइनस बी क्या होता है, आइए ए माइनस बी। तो आपने सीखा हुआ है कि जो a माइनस बी होता है उसमें क्या होता है कि वो एलिमेंट जो a में तो है पर b में नहीं है, a में तो है b में नहीं है, a इज कंटेन बट b इज नॉट होल्ड। तो वी सी दैट कि मेरे पास 1, 3 और 5 ये आपके 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। मैं एक बार इसको फिर से बना लूंगा, हालांकि अगर आप चाहते तो उसी फिगर से भी क्लियर हो जाता। ये आपका यू लग गया, अब यहां पर हमारा क्या हो गया, ये आपने ऐसे कट कर दिया। यहां पर हमें क्या दिखाना है, माइनस दिखाना है। तो देखिए 1, 3, 5 लिखने का तरीका वही है कि पहले दोनों के लेते हैं हम लोग कॉमन और जो बचे हुए हैं वो बी में। तो अगर हमको ये ऑपरेशन दिखाना होगा तो यानी सिर्फ ये 1, 3, 5 जो आपके हैं वो ए में लाइज कर रहे हैं लेकिन बी में लाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपको आ गया। ऐसे ही आप बी माइनस ए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इजिली, ठीक है। अब आपका आता है इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमको ए दिया हुआ है, और ये हमारा ए हो गया, तो ध्यान रखेंगे कि जो ये हमारा है ये कॉम्प्लीमेंट है। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा कि हमें यू भी लेना पड़ेगा यहां पर 2, 3, 4, 5, 1, 7, 0। अगर मैं ऐसा ले लेता हूं तो जो आपका ए डैश होगा वो आपको यू में से हटाना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 हट जाएगा यहां से, तो क्या बचेगा हमारा यहां पर 7, 0 बचेगा। यानी कि जो आपका ये आप देख रहे हैं ये आपका ए था, तो ये हमारा क्या हो गया, 7, 0 हो गया। तो हमारा एड्रेस क्या आ गया है, 0, 7 आ गया है, क्लियर है। सारे ऑपरेशंस आपको अच्छे से आ रहे होंगे, इसमें कोई डाउट आपको होगा नहीं। अब बचता है क्या आपका, अब आपका बचता है डिसजॉइंट सेट। तो मैं यहीं पे बता देता हूं आपको कि एक सेट आपका मान लीजिए ये ए है, एक आपका बी है, और बी में आपका लिखा हुआ है 9 और 10। मतलब जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसे आप क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। आसान है, पता होगा आपको, नहीं पता है तो आपको मालूम हो गया कि अगर दो सेट ऐसे हैं जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी आप उनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेट कैसा है, डिसजॉइंट सेट है। अब इसका जो आपका लास्ट टॉपिक है वो बताने वाला हूँ मैं इसमें कि किस तरह से आप फार्मूला जनरेट करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और ये आपके सवाल भी पेपर में इसके आते रहते हैं। तो हम एक फार्मूला बनाने वाले हैं, देख कितने आसानी से बन जाएगा वो सिर्फ वेन डायग्राम से। हालांकि अगर आप चाहेंगे तो उस फार्मूले को लर्न करके भी उसके सवाल आप कर सकते हैं,
कभी कहीं पेपर में लिख के आ जाता है कि सॉल्व बाय वेन डायग्राम, तब उस अवस्था में आपको ये फार्मूला ये बनाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपका ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये ठीक है। अगर मुझे नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना हो कि ए यूनियन बी में कितने नंबर हैं, तो उसका जो तरीका है कि भाई पहले हम एन नंबर ऑफ ए निकाल लें, फिर हम नंबर ऑफ बी में ऐड कर दें। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहां पर कि एक नंबर यहाँ पर दो बार आ गया है, यानी ये नंबर जो आप देख रहे हैं ये आपका दो बार यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको माइनस कर देंगे, तो मैंने इसको माइनस कर दिया है, तो ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने फार्मूला भी बना लिया है, और ये इस पे फार्मूले पर डिपेंड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सवाल पेपर में पक्के आने आने होते हैं। और मैं बता चुका हूँ कि जो सीबीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट बच्चे हैं या जो इंग्लिश बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनके प्रोबेबिलिटी में भी काम आने वाला है। ठीक, क्लियर है। तो मैं बता देता हूँ आपको, अब जो उसमें लास्ट बचा हुआ है कि मान लीजिए अगर आपको तीन सेट दिए हुए हैं, इफ़ यू हैव थ्री सेट्स, तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम। आइए लेट्स सी। ये बहुत ध्यान देना है आपको कि जब भी कोई सेट आप बना रहे होंगे तो आपको हमेशा पहले उसके कॉमन पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहला काम है आप तीनों का कॉमन पार्ट निकाल लीजिए, फिर ए बी का और बी सी का और फिर सी ए का कॉमन पार्ट निकाल लीजिए, और उनको लिखने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो आप ए बी सी में लिख देंगे। तो मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल ले लूँगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल एज ए ले लिया है, मैंने बी ले लिया है, मैंने सी ले लिया है, आइए अब इन तीनों सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। ये तो पहला काम हमारा यही है कि सबके पहले इंटरसेक्शन निकाल लीजिए आप। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, आप देख रहे हैं हमारा आएगा 4, 5, 6। फिर बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आएगा, आप देख रहे हैं कि हमारा क्या आएगा, इसमें शायद मैंने इसमें कोई भी नहीं कॉमन ले रखे हुए हैं, तो हमें कुछ तो कॉमन इसमें लेने चाहिए, तो मैंने मान लीजिए इसको बढ़ा दिया है 9 तक कर दिया है। ठीक है, मैंने इसमें 9 तक कर दिया है, और 4 को डा करके मैंने यहाँ पर, यानी ठीक है 4 तो रहेगा रहेगा, 9 ले लिया है। और फिर सी इंटरसेक्शन ए करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि इसमें हमको 1, 2, 3 मिल रहा है, और अगर मैं तीनों में कॉमन निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है,
यहाँ पर मैंने पहले कॉमन निकाल लिए, तो अब आप कैसे इनको लिखोगे? तो सबसे पहले जो तीनों का कॉमन होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन चूंकि हमारा कैसा नंबर है, ये इम्प्टी है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, मैं एक दो सवाल आगे लूँगा तब मैं सब में कॉमन भी ले लूँगा। अभी मैंने डमी सवाल लिया है तो ऐसा आ गया है। फिर मैं बी और सी को लेने वाला हूँ, ठीक है, फिर मैं बी और सी को लेने वाला। इसमें क्या देख रहे हैं कि बी और सी में हमारा कॉमन 9 आ गया है। ठीक है, फिर मैं सी और ए में ले रहा हूँ, सी यानी कि 1, 2, 3 कॉमन आ गया है। अब आप काम आसान हो गया है। अरे अभी ए इंटू बी बाकी है हम लोगों का, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा आया है 4, 5, 6। थोड़ा छोटा बन गया है ये, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको ताकि लिख पाऊँ मैं इसमें। ये लीजिए, अब जो बचा हुआ है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यदि बचा हुआ है तो मैं देख रहा हूँ कि ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा लिख दिए गए हैं, यानी ये हमारा एम्प्टी रहेगा। तो यदि कोई सवाल ऐसा मिलेगा कि हाउ मैनी मेम्बर्स यूज ओनली ए, तो ना कोई ऐसा नहीं है। ठीक है ना, फिर जैसे कहा जाए कि हाउ मैनी मेम्बर्स यूज ओनली बी, तो बी में हमारा देखिए 4, 5, 6, 9 यानी ये हमारा क्या आ गया 7, 8, यानी कि 2 मेंबर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, ऐसे कहा जाए हाउ मैनी मेंबर्स इन सी ओनली सी, बात यहाँ पर ओनली सी की हो रही है, क्योंकि अगर हम सी का नाम लेंगे तो पूरा लेना पड़ेगा हमको। अगर मैं सी बोलूँगा तो मुझे लेना पड़ेगा पूरा, लेकिन ओनली सी की बात कर रहा है तो क्या होगा हमारा सिर्फ। तो मैं देख रहा हूँ कि 1, 2, 3, 9 तो हो गया है 10। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग 3 सेट वाला भी रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका वेन डायग्राम का, आप इसको बार बार समझेंगे। पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो इंटरसेक्शन से उसको उठाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने फ्रेंड्स को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इसकी सम बताऊंगा। थैंक यू।